नमस्ते, आज फिर भांजी मैडा आपके सामने है। लॉकडाउन होम क्वारंटाइन सीरीज में आपका स्वागत है। आज आठवां दिन है, नवमी भी है, तो सबको मेरी तरफ से रामनवमी की शुभेच्छा। थॉट है, टू चेंज माई लाइफ आई मस्ट फर्स्ट चेंज माई थिंकिंग। तो इसी थॉट के साथ हम हमारा 21 डेज लॉकडाउन होम क्वारंटीन वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में मैं चार अलग अलग चैलेंज दे रहा हूँ और मैंने पिछले दिनों ये सब वर्कआउट बिगिनर से स्टार्ट किए हैं और मेरे बच्चे भी मेरे साथ में है। बच्चों के सीरीज में हम फुल बॉडी वर्कआउट कराएंगे, न कि रोज अलग अलग मसल्स, जिसमें अपर बॉडी, बैली एंड लेग वर्कआउट तीनों एक साथ आ जाएगा। बच्चे तैयार है? मैं आपको जो तीन दिन से वर्कआउट करवा रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या पापा एक का एक वर्कआउट करवा रहे हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बोन स्ट्रांग हो रहे हैं, मेरा पावर बढ़ रहा है और स्पीड भी बढ़ रही है। और ये वर्कआउट बहुत ईजी भी है, जो हर एक बच्चा भी कर सकते हैं। और ये वर्कआउट में कुछ ज़्यादा है नहीं, स्क्वाट्स, पुशअप एंड क्रंचेज है। तो स्क्वाट्स तो सब कर सकते हैं और पुशअप बच्चों के लिए बहुत हार्ड होता है, तो हम वॉल पुशअप कर सकते हैं या फिर लड़कियों के लिए नी इन एंड आउट हो सकते हैं लाइक दिस। और क्रंचेस भी सभी कर सकते हैं। तो सीरीज फॉलो करना पड़ेगा। पहले हम ज़्यादा यानी कि 10 से स्टार्ट करेंगे और हमें 1 तक पहुंचना है। तो सीरीज का क्या बेनिफिट है? सीरीज का ये बेनिफिट है कि हम पहले हमेशा हार्ड वर्कआउट चूज़ करेंगे, उससे फिर हम हार्ड वर्कआउट से अपना स्टेमिना बढ़ाएंगे। एक्चुअली जिम में भी यही होता है, लोग बॉडी बिल्डर्स जब उनके हाथ में लो वेट रहते हैं तब वो लोग अपना रेपिटेशन ज़्यादा होता है हम लोग का, और जब भी उनके हाथ में हैवी वेट्स आते हैं तो उनका रेपिटेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बट यहाँ पे हम बॉडी वेट के साथ रेपिटेशन 10 से हम 1 तक आएंगे, इससे हमारा स्टेमिना बूस्ट होगा और पावर भी बढ़ेगा। इवन ये बच्चों के लिए भी बहुत इजी है और ये स्पेशली बच्चों के लिए ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three.
8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्न करो सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स Great. पापा आपके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, आपको बड़ों का वर्कआउट दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे भी कर सकते हैं।
ध्यान दो तो जीते। हम पिछले 3 दिन से वर्कआउट कर रहे हैं। फर्स्ट 3 दिन आपको थोड़ा पेन होगा, लग रहा होगा कि आपका शोल्डर पेन हो रहा है, थाइस पेन हो रहा है, बेली पेन हो रहा है। बट आज 4th दिन हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं है और हमारा टाइमिंग भी कम हो गया। 10 मिनट 30 सेकेंड्स, सेकेंड डे टाइमिंग 9 मिनट्स, थर्ड डे टाइमिंग 8 मिनट्स और आज 7 मिनट्स। हुर्रे! तो प्लीज बच्चों, आप भी साथ में वर्कआउट कीजिए। ये जो हमारे नन्हे सर्किट वॉरियर है उसको भी थोड़ा सा हमें ना घर बैठे बैठे कंटाला मत करो, हमारे साथ आओ और वर्कआउट करो, इससे आपकी बॉडी फिट भी रहेगी।